हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय फूडियो ब्लॉग चैनल। तो आज मैं बताऊंगी मैगी नूडल्स कैसे बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैगी नूडल्स बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है खाने में। तो सबसे पहले पानी को बॉईल होने दें, उसमें मैगी ना दें। मैंने नेस्ले का मैगी लिया है, इसे अच्छी तरह बॉईल होने दें। हमारा मैगी पक चुका है, अब इसे मैं छान ले रही हूँ और चम्मच से फैला दें इसे आप। अब इसके बाद कढ़ाई में तेल डालें, इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालें 2 से 3 पीस। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डालें, 4 से 5 लहसुन की कलियां मैंने ली थी। इसे 1 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए अनियन इसमें डाल दें, इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद इसमें कैप्सिकम डाल दें, मैंने कैप्सिकम को क्यूब शेप में काटा है। इसी तरह से कैप्सिकम को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। दो से तीन मिनट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, तब इसमें गाजर डाल दें, इसे 1 मिनट तक पकाएं। ये हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस डाल दें, मैं बाद में 1 चम्मच सोया सॉस और ऐड करती हूँ। इसमें मैगी मसाला डाल दें 2 पैकेट, कि मैंने 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, मैगी नूडल्स। इसे अच्छी तरह भूंज लें। इसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच डालें, 2 बड़े चम्मच रेड टमाटो केचप डालें और इसे आधे सेकंड तक फ्राई करें। इसके बाद इसमें मैंने गोलकी पाउडर इसमें ऐड की, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें और मैं इसमें विनीगर भी ऐड करती हूँ, आप चाहे तो विनीगर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं नूडल्स डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स करें, तब तक सारे वेजिटेबल मिक्स ना हो जाए। इसमें मैं मैगी का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह भून दें। अब फिर से थोड़ी सी मैगी के पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह सारे वेजिटेबल मिक्स हो जाए। इसी तरह से अब सारे वेजिटेबल को मिक्स करें तब तक जब तक सारे नूडल्स में वेजिटेबल मिक्स ना हो जाए। हमारा मैगी नूडल्स अच्छी तरह पक के तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दे। अब मैं इसे बाउल में निकाल दे रही हूँ। अब जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।